नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का जो दावा है उसके बारे में आपको बताऊंगी। आप सब जानते हैं कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। भारत ने जब यह निर्णय लिया था कि वह संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनेगा, तभी सन 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में ही उसने इसकी स्थायी सदस्यता हेतु अपना दावा प्रस्तुत कर दिया था। उस समय यह दावा सर फिरोज शाह नून द्वारा रखा गया था, जो तत्कालीन वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे। साथ ही साथ सर ए रामास्वामी मुदालियर के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी थे। उस समय उन्होंने चीन के स्थान पर भारत हेतु अपनी स्थायी सदस्यता का दावा प्रस्तुत किया था। उन्होंने स्थायी सदस्यता का समर्थन दो आधारों पर किया था। पहला, भारत की विशाल जनसंख्या, तथा दूसरा, युद्ध में भारत द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका। युद्ध का यहाँ तात्पर्य द्वितीय विश्व युद्ध से है। उस समय भारत की इस मांग को महत्व नहीं दिया गया क्योंकि भारत एक स्वतंत्र देश नहीं था। 1950 में एक अच्छा मौका भारत ने अपनी आदर्शवादिता के कारण खो दिया, जब चीन में साम्यवादी क्रांति की सफलता से अमेरिका परेशान था, तथा स्वयं उसके द्वारा भारत की राजदूत विजयलक्ष्मी पंडित को यह संकेत दिया गया था कि वह अगर चाहें तो अमेरिका साम्यवादी चीन के स्थान पर भारत को स्थायी सदस्यता दिलवाने के लिए प्रयत्न कर सकता है। लेकिन उस समय भारतीय विदेश नीति आदर्शवादिता के जाल में उलझी हुई थी तथा हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रही थी, अतः इस प्रस्ताव को नकार दिया गया। एक लंबे अंतराल के बाद एक बार पुनः 1997 में भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान इस प्रश्न को आधिकारिक तौर पर उठाया और तब से लेकर आज तक यह प्रश्न भारतीय विदेश नीति तथा राजनय का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। 1945 की अपेक्षा आज भारत अनेक आधारों पर स्वयं के लिए सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का दावा करता है। ये दावे इस प्रकार हैं। पहला, भारत की विशाल जनसंख्या। दूसरा, एक लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत का विश्व में पहला स्थान। तीसरा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की विशिष्ट भूमिका। चौथा, सामरिक दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा स्थान। पांचवा, विश्व शांति हेतु संयुक्त राष्ट्र को इसके द्वारा दिया गया सहयोग व समर्थन। छठा, भारत का आर्थिक महत्व। सातवां, वैज्ञानिक शोध, अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा औद्योगिक विकास के साथ साथ सूचना तकनीक में भारत की अभूतपूर्व प्रगति। और आठवां, नाभिकीय शक्ति के रूप में भारत का उदय। तो बच्चों, प्रमुख रूप से ये आधार हैं जिनके आधार पर भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता का दावा करता है। इस व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं आपके साथ कोई दूसरा टॉपिक शेयर करूंगी। धन्यवाद।